दीदी बड़े होकर गीता महा जैसी कोरियोग्राफर बनेगी। नहीं नहीं, मेरी दीदी बड़े होकर माधुरी दीक्षित 2 के जैसे बनेगी। नहीं, मेरी दीदी बड़े होकर गीता महा जैसी कोरियोग्राफर बनेगी। नहीं, मेरी दीदी बड़े होकर माधुरी दीक्षित जैसे ही बनेगी। अरे अरे, पहले आप डिसाइड ही कर लो कि मैं गीता महा जैसी कोरियोग्राफर बनूं या माधुरी दीक्षित 2 जैसी। नहीं नहीं, चलो पूछते हैं KKHD से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेतांशी है, मैं 9 साल की हूँ, मैं वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। कमला गुरेजा, वर्किंग एज प्रिंसिपल इन वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी हरियाणा। चेतांशी इज अवर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। हर मदर ईशा चौधरी हैड आल्सो बीन अवर स्टूडेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ बोथ चेतांशी एज वेल एज हर मदर ईशा चौधरी। चेतांशी इज वेरी गुड एट स्टडीज। She also participates in all the co-curricular activities organized in the school from time to time. She is very good at dance, quiz and other activities. She participated in KKHD, Kisme Kitna Hai Dam, Talent Ka Mahasangram program, and she has been selected there. These are moments of proud for her mother, her grandparents and as well as for the school. We wish her best for the future and hope that she will be doing as good as she is doing at present. मुझे उम्मीद है चेतांशी फाइनल भी वहाँ से जीत कर आएगी और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का स्कूल का नाम रोशन करेगी और ये इसके फ्यूचर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जिसका ये फ्यूचर में भी इसको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। हम चैनल के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने इसके लिए चुना और इस तरह की अपॉर्चुनिटी उसे दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वेलकम। मैं रजनी भुटानी वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जूनियर विंग की इंचार्ज हूँ। चेतांशी हमारे स्कूल में 4th F की स्टूडेंट है और वो ना केवल स्टडी में बल्कि हर एक्टिविटी में हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही प्राप्त करती है और इसमें उसकी मदर भी उतना ही इंटरेस्ट लेती हैं जैसा हम उनको गाइड करते हैं, वो उससे भी और ज़्यादा मेहनत करके उसे हमारे सामने भेज देती हैं। तो मुझे आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि उसे किसमें कितना है दम इसके लिए सेलेक्ट किया गया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चेतांशी ना केवल हमारे हरियाणा स्टेट का बल्कि एक दिन वो इंडिया का नाम रोशन करेगी। मैं चेतांशी की क्लास टीचर हूँ, रितु बंसल। चेतांशी मेरी स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है ये। स्टडी में भी बहुत अच्छी है और अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। मैं शिवरतन, अध्यक्ष वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल की एक बच्ची चेतांशी जो क्लास 4 की स्टूडेंट है और जो अपनी परफॉर्मेंस देगी, तो सर्वप्रथम तो मैं इसको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये अपने जहां भी जाए अव्वल नंबर पर रहे, एक नंबर पर रहे, फर्स्ट आए। मैं स्कूल के प्राचार्या को एवं पूरे स्कूल के स्टाफ को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बच्ची को तैयार किया जो किसमें कितना है दम कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देगी और प्रस्तुति दे करके वो अपना परचम वैश स्कूल का भी लहराए, वैश मॉडल स्कूल का भी लहराएगी, अपने परिवार का भी लहराएगी, अपना भी लहराएगी, अपने प्रांत का भी लहराएगी। और विशेष बात यह है कि ये हरियाणा में ना होके ये कार्यक्रम पंजाब में हो रहा है,
पंजाब में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे स्कूल की बच्ची जाएगी तो हमें इस पर बहुत बड़ा गर्व है। मैं ब्रिजलाल सराफ, महासचिव वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। हमें खुशी है कि हमारी बच्ची चेतांशी, जो कि चौथी क्लास की छात्रा है, मुझे फख्र है और मुझे भरोसा भी है कि ये बच्ची सारे प्रांत में और इस चैनल पर पहला नंबर अर्जित करेगी। मैं पवन बुआनीवाला, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट, कोषाध्यक्ष वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये बच्ची फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी है, जिसमें हमारे अध्यापकों का और जो एक्टिविटीज स्टाफ कराता है उनका पूर्ण सहयोग है। उस सहयोग की वजह से इस बच्ची ने एक परचम लहराया है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं और चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वे ऐसे कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट करें जिससे आने वाले छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा निखर के आए। साइकिलिंग करना बहुत पसंद है और डांस तो मेरा सबसे फेवरेट है। स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैं सब में पार्टिसिपेट करती हूँ, पर डांस करना मुझे बहुत पसंद है और मैं स्टडी में भी हर साल कोई ना कोई पोजीशन लाती ही हूँ। मैं मेरी मम्मा से जो भी कुछ मांगती हूँ मेरी मम्मा मुझे हमेशा दिला देती हैं। मैं मम्मा का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। मुझे KKHT के ऑडिशन का फेसबुक से पता चला और मैंने KKHT के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल को पार करा और मैं बहुत खुश हुई और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूं। मैं KKHT की टीम का बहुत थैंक यू करूंगी, उससे मेरे डांस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और उन्होंने मेरी एक पहचान बनाई है। KKHT की टीम के जो जजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं और फेयर भी हैं, डांस के अकॉर्डिंग ही वो सिलेक्शन करते हैं। शर्त लगी थी दुनिया की, शर्त लगी थी दुनिया की खुशी को एक लफ्ज में ढूंढने की, वो किताबें ढूंढते रह गए और मैंने बेटी लिख दिया। भगवान ने चेतांशी के रूप में मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड बेटी दी है, जो जिसका मैं ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अपने टैलेंट को निखारती रहे। उसके अंदर बहुत टैलेंट है, एक्चुअली सभी बच्चों के अंदर टैलेंट होता है। उसका टैलेंट मैं निखारने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। उसको डांस करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना सब कुछ बहुत पसंद है। आउटडोर गेम्स वो खेलती है, किचन में मेरी हेल्प कराती है। खेलती है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करती है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है और इतनी अच्छी फैमिली दी है मुझे। उसके मामू मामी, उसके नानू नानी, उसकी कज़न सिस्टर जैस्मिका बहुत ही प्यार करते हैं सभी उसको, और ये देखकर मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और चेतांशी की मैं पेंटिंग भी आपको एक दिखाना चाहूँगी। इस तरह की पेंटिंग्स वो बनाती है, वो खुद ही सीखती है। उसे पेंटिंग्स बनाना,
कलरिंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत ही पसंद है। कुछ पोस्टर्स भी और हैं उसके जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो इस तरह के पोस्टर्स भी देखिए बनाती है, तो बहुत ही उसको शौक है। और स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सभी कॉम्पिटिशन्स में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और हर कॉम्पिटिशन में कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर लेकर आती है। और स्कूल का स्टाफ, स्कूल का प्रिंसिपल सभी उससे बहुत खुश रहते हैं, सभी का वो आदर सम्मान करती है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इसके मामू की शादी थी 2014 में, तो तब ये आई थिंक 3 या 3.5 साल की थी। तो इसने लगातार अपने मामू की शादी में लगातार इसने 3 घंटे डांस किया था, और वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूल सकती। और वहीं से मुझे लगा कि इसको डांस में आगे मुझे बढ़ाना है और मैं अपने सही ट्रैक पर जा रही हूँ। और चेतांशी भी मुझे पूरा कोऑपरेट करती है, जितना मैं मेहनत करने के लिए कहती हूँ उतनी मेहनत करती है। रात के 11-11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक टाइम नहीं देखती है, मेहनत करती जाती है। डांस की लगन उसकी बहुत सही जा रही है। और KKHD का मैं बहुत ही थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो अपनी इस डांस की प्रतिभा को और भी निखार पाएगी। और मैं चाहूँगी कि वो इस KKHD के ग्रैंड फिनाले को भी जीत कर आए और अपनी फैमिली और अपने शहर का और अपने स्कूल का सभी का नाम रोशन करे। मेरी यही दुआ है भगवान से। तो खेलेगी, खाना खाएगी, डांस करेगी। मेरा नाम अमित चौधरी है, मैं चेतांशी का मामू हूँ। चेतांशी बहुत ही टैलेंटेड है, बचपन से ही स्टार्टिंग से ही उसको डांस का बहुत शौक रहा है। पढ़ाई में भी हमेशा वो बहुत इंटेलिजेंट रही है, हमेशा कुछ ना कुछ पोजीशन लाती रहती है, हमारे साथ भी बहुत मस्ती करती है। और मेरा मानना यह है कि जब तक हम बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनेंगे तब तक उनका टैलेंट बाहर निकल के नहीं आएगा। मैं KKHD टीम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने चेतांशी को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपना हुनर दिखाने का मौका दिया और आगे भी बहुत साथ देंगे वो चेतांशी का। नमस्कार, मैं चेतांशी की मामी हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया, चेतांशी बहुत टैलेंटेड है। हमें बहुत खुशी होती है जब वो ऐसा हम देखते हैं उसको, अलग अलग सॉन्ग्स पे वो डांस करती है, वहाँ स्टेज पे जाती है। हम जब घरों में आते हैं तो इसकी दीवारों पे देखते हैं पेंटिंग होती है, तो हमें ये लगता है कि ये सब काम तो चेतांशी का ही होगा, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। हमें गर्व होता है उसको ये देख के कि वो इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो आगे ही आगे बढ़ती रहे, हम यही कामना करते हैं। और यही हमारा आशीर्वाद है उसके साथ कि वो आगे बढ़े। बच्चा बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है, और हमें यही आशा है और विश्वास है कि वो यहाँ तक पहुँची है और वो आगे ज़रूर जाएगी। और यहाँ तक पहुँचना भी ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए तो वो यहाँ तक पहुँच गई, मतलब कि वो जीत ही गई है, और ये बहुत अच्छी बात है और हम इन सबको उस पर गर्व है। मैं स्पेशल थैंक्स चेतांशी की मम्मी का करना चाहूँगा, जिसने उसका हुनर निखारने में बचपन से लेके अब तक बहुत 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 मेहनत करी है। मैं जब भी अपने किसी दोस्त या फ्रेंड से मिलता था सब कहते थे देखो अमित आया, अमित आया, लेकिन अब अमित कोई नहीं कहता, अब सब कहते हैं देखो चेतांशी का मामू आया है, चेतांशी का मामू वो जा रहा। हमें बहुत प्राउड फील होता है अपनी भांजी को आगे बढ़ते देख कर। चेतांशी की मामी हूँ। वो बहुत ही अच्छे डांस करती हैं, यूट्यूब पे उसका डांस मैं बड़ा इंजॉय से देखती हूँ, वो सुपर से भी ऊपर है। वो बहुत अच्छा डांस करती है, कई बार तो वो मेरे को भी डांस करवाती है और सबके साथ ही वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाती है और हमारे घर आके बहुत ही फुल इंजॉय करती है। और बहुत ही अच्छी बेटी है वो, भगवान ऐसी बेटी सबको दे।
चेतांशी के, और वो बहुत अच्छा डांस करती है, सारा दिन हमारे पास ही रहती है वो, तो हम तो चाहते हैं कि वो इतना आगे जाए कि बुलंदियों को छुए और हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। चेतांशी हमारी दोती है, तो वो मतलब डांस शुरू से ही बहुत अच्छा कर रही है। जब छोटी थी 3-4 साल की तभी से ही पैर चलाने लग गई थी, ऐड कोई आ जाती उस पर भी डांस करना लग जाती थी। हम तो खाना वगैरह खाते हैं, हम सब मिल के खाते हैं, हमारे पास ही रहती है वो। इस टाइम भी मतलब कोई भी काम करे मतलब सब उसके साथ ही करते हैं वो। हम तो ये चाहते हैं कि ये अच्छा मतलब आगे बढ़े और हम इसको देखें मतलब अपने जीते जी देख जाएं इसको। नमस्कार जी, मेरा नाम निखिल शर्मा है, मैं भिवानी सिटी हरियाणा से हूँ। मैं रिदम रेवोल्यूशन डांस एकेडमी का डांस कोरियोग्राफर हूँ। चेतांशी मेरे साथ 4 साल से है, वो बहुत अच्छा डांस करती है। अगर उसको हम जैसे कोई टॉपिक भी देते वो तुरंत कैचिंग पावर उसकी बहुत अच्छी से है। अगर मेरी एब्सेंस में किसी को बोलते हुए थोड़ा हैंडल करो तो वो बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेती है। मुझे इस पर प्राउड है कि वो इतना आगे जा चुकी है। लॉकडाउन में तो बल्कि क्लासेस भी बंद हो गई थी, बट उसने खुद की तरफ से उसको स्टार्ट करके अपने आप को रेडी किया, किस में कितना दम में उसने पार्टिसिपेट किया और वो आज ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी है। मुझे बहुत खुशी है और मैं थैंक यू करता हूं किस में कितना दम शो को कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और बच्चों को इतना आगे ले जाने के लिए वो उनका साथ दे रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि चेतांशी बहुत आगे जाए और वो जीत के आए और साथ साथ मेरी एकेडमी का नाम रोशन करे और सिटी का भी नाम रोशन करे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। टीवी पे जो नेशनल लेवल के डांस शोज आते हैं वो सिर्फ बड़े शहरों के साथ सीमित रहते हैं, लेकिन KKHD एक ऐसा शो है जो हर गांव और शहर के बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं KKHD का ग्रैंड फिनाले जीत के आऊँ और मैं अपने शहर, स्कूल और फैमिली का नाम रोशन करूँ। थैंक यू KKHD।